हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चे 10th मैथ्स का एक चैप्टर 1 है, स्टार्टिंग चैप्टर है, और सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। और ये बहुत स्कोरिंग भी है, एक्चुअली 3-4 मार्क्स के लिए आपके पास रहेगा। एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं, 1.3 का क्वेश्चन है, आपसे कहता है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, और बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया। तो आज कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ हम एक क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, मतलब आप रूट 2 की ही बात मत करिए। अगर आप कहेंगे सर रूट 3 प्रूफ करिए, रूट 5 प्रूफ करिए, रूट 7 प्रूफ करिए, रूट 11 प्रूफ करिए, जितने भी हमारे पास प्योर इरेशनल नंबर हैं उनकी बात करेंगे। इसी पे बेस्ड अगर मिक्स हमारे पास आ जाता है जिसमें एक पार्ट रैशनल होगा और एक पार्ट इरेशनल होगा, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। जैसे अगर आपसे कहेगा 2+√2, या आपसे कहेगा 2√2, या आपसे कहेगा 3+5√2, इसको प्रूफ करिए कि ये आपके पास इरेशनल नंबर है। तो ये अलग मेथड रहता है, ये अलग मेथड रहता है। बहुत आसानी से सीखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं हमेशा, और इस तरह से पढ़ेंगे जो आप अपने कोलीग्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने बैचमेट्स को भी बता सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। क्या है, चलिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे कुछ, मैं अगर आपसे कहूँ कि जो मुझे प्री नॉलेज चाहिए उसकी बात करें। एक तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास दो ही तरह के नंबर हैं। जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही नंबर हैं, एक हमारे पास है रैशनल और एक हमारे पास है इरेशनल। असल में रटना नहीं है, कि आपको स्टेप्स बता दूं, रट समझिए कि हो क्या रहा है, फिर आप अपने आप फ्लो में लिखते चले जाएंगे। एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। रैशनल आपने कहा है, आपने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिनको आप PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने होल नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स हैं, ठीक है, या फ्रैक्शंस हैं, वो सब आप इसी डेसिमल हैं, वो सब आप इसी कैटेगरी में रखते हो। यहाँ पे आप ये भी कहते हो कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे बात कह दूं कि सपोज करो आपने PQ लिख दिया 6/4, तो ये 6/4 एक रैशनल नंबर है, आप सब बच्चों को मालूम है, मुझे भी मालूम है। बट ध्यान ये रखिएगा बेटे कि ये अभी फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब अगर ये किसी से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर सेम से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड करके आप इसको लिखेंगे 3/2। अब ये हमारा जो रैशनल नंबर है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इन नंबर्स को कि ये सिर्फ और सिर्फ दोनों जो नंबर हैं 1 से डिविजिबल हैं, दोनों कॉमन, 1 के अलावा किसी से, तो इस तरह के इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स हैं, बट इस तरह के इंटीजर्स को हम कोप्राइम इंटीजर्स कहते हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि हमारा कोई रैशनल नंबर है और वो PQ की फॉर्म में है, तो हम यहाँ ये जरूर मेंशन कर देंगे कि PQ जो है वो कोप्राइम इंटीजर्स हैं, यानी कि वो किसी से डिविजिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है, उनका HCF 1 है। अच्छा, जो PQ की फॉर्म में नहीं होते हैं वो इरेशनल हो जाते हैं, ये हमारे पास। तो ये हम यूज करेंगे पहली चीज। एक और प्रॉपर्टी यूज कर लें, फिर बताऊंगा कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी आप नंबर ले लें और उसका स्क्वायर ले लें, कोई भी नंबर, अभी इसको एग्जांपल से लेंगे, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, ये सारी चीजें हम एग्जांपल से चेक करते जाएंगे। If square of any number is divisible by any prime number, then ये जो आपका number है a, ये भी divisible होगा, a is also divisible by that prime number. 3-4 marks का question है, तो थोड़ा सा time दीजिए, समझ में आए। क्या मतलब? आप कह रहे हो बच्चे कि 6 square जो है, the square of 6 is divisible by 3. Yes, we know 36 divisible by 3. तो आप ध्यान से देख लीजिए, 6 is also divisible by 3. Condition क्या है? कि ये prime number होना चाहिए। जैसा मैं आपसे कहूँ कि 6 square is divisible by 4, तो 6 is also divisible by 4. No sir, ये prime नहीं है, तो यहाँ ये नहीं लगेगा। ये कंडीशन है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, देन नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर, ये हम यूज करेंगे। दो चीजें,
कोई भी आपका रैशनल नंबर होगा तो वो p by q की फॉर्म में लिखा जाएगा, where p and q co-prime integers होंगे, यानी कि उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर जो है खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या है सर ये कंट्राडिक्शन मेथड? ये होता है कि सर हम किसी को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि ये है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। क्या कंट्राडिक्शन? सपोज करो आपका कोई दोस्त है, ठीक है सर, अमन जो है सर वो है जो हिंद गुरु स्कूल में पढ़ता है। दोस्त ना कह के मैं ये कहूं कि आप किसी इंटर स्कूल कंपटीशन में गए थे, वहां पे आपकी कुछ स्कूल वाले बच्चे मिले, उनकी थोड़ी सी आपकी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, आपने अच्छा लगा बच्चा आपको, तो उसका नाम था अमन और वो हिंद गुरु स्कूल में पढ़ता है। जैसे ही आप कहोगे कि ये अमन है तो आप एकदम से सोच लोगे कि ये वही है जो हिंद गुरु स्कूल में पढ़ता है। अब सपोज करो आप कहीं गए मार्केट में और मार्केट में कोई आपको बच्चा ऐसा नजर आया जिसका लुक जिसका फील जो है वो अमन जैसा था, तो आपने कहा हाय अमन। आपने उसको क्या एज्यूम किया? आपने एज्यूम किया है अमन, और जैसे ही आपने उसको एज्यूम किया कि अमन है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, कौन सा वाला अमन कि जो हिंद गुरु स्कूल में पढ़ता है। अब आपने कहा हाय अमन, अब वो आपकी तरफ को देख रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। अरे यार तुम वही हो ना हिंद गुरु स्कूल में पढ़ते हो? नहीं सर मैं तो कैम्ब्रिज में पढ़ता हूँ। मैं कहाँ पढ़ता हूँ? मैं कैम्ब्रिज में पढ़ता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपने अमन सोचा था वो अमन जो हिंद गुरु में पढ़ता है, बट वो तो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन है। जो हम सोच के चल रहे थे वो नहीं है, तो इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन। जैसे ही कंट्राडिक्शन आएगा आप वापस आ जाओगे कि सर जो मेरा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसका मतलब सर सॉरी यू आर नॉट अमन, मैं तो अमन को ढूंढ रहा था। तो ये हमारे पास है कंट्राडिक्शन। हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहीं से बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो नंबर है हम मान लेंगे उसको रैशनल या इरेशनल, जो भी चाहे आप कहिए। कि अभी हम देखेंगे, हमने माना कि ये नंबर रैशनल है। रैशनल करते ही हम कहेंगे कि ये p by q की फॉर्म में हो सकता है। p by q कौन से? सर p और q co-prime होने चाहिए, किसी से divisible नहीं होने चाहिए, but सर वो किसी से divisible हो जाएंगे commonly। अगर commonly होंगे तो co-prime नहीं है, co-prime नहीं है तो वो रैशनल नहीं है, और हमारे पास दो ही ऑप्शन है, अगर रैशनल नहीं है तो फिर वो इरेशनल है। That's it. ये आपका बेसिक ज्ञान है। अगर इन तीन स्टेप्स को आप सामने रखेंगे तो मजे से आप क्वेश्चन करेंगे, स्टेप्स आपको याद। आओ सब देखते हैं अब क्या हमारे पास है। हमसे कह रहा है प्रूव दैट। उम्मीद है ये वीडियो आपने दोस्तों को भेजेंगे जिसको भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ से प्रूफ लिया है, 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम्स के बाद आप 3 लाख रुपए भी देंगे तो 3 नंबर कोई नहीं देगा, तो 3 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीट बेल्ट जैसे कहना चाहिए बांध लीजिए। तो आपसे क्या कह रहे हैं प्रूफ में हम लिख के चलते हैं लेट। कंट्राडिक्शन लेना है तो उल्टा सोचना है, लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है अभी आपको जो बताई है वहीं से सोचिए, अगर ये रैशनल है तो इसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट टू इज इक्वल्स टू p by q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। वो प्राइम इंटीजर्स का मतलब है ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये अमन है तो ये हिंद गुरु स्कूल में होना चाहिए, हमें देखना है कि हिंद गुरु में है या कैम्ब्रिज में। इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, ये आएगा 2, ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को यहां ले आइए बच्चे, ये आ जाएगा p square is equals to 2q square। पहला स्टेप यहाँ खत्म हो जाता है, आपने कुछ नहीं किया है, आपने कहा root 2 is a rational, rational है तो p by q की फॉर्म में होगा,
पी बाई क्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, उनके फैक्टर्स नहीं होंगे तो उन्हें कोप्राइम इंटीजर्स कहते हैं। उसका स्क्वायर कर दिया तो पी स्क्वायर की वैल्यू 2q² आ गई। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया p² = 2q² ध्यान से देख लीजिए, इस नंबर के दो प्रोडक्ट हो गए, दो फैक्टर्स हो गए 2 and q²। आप सब बच्चों को पता है अगर मैं ये कह रहा हूँ 6 = 2 × 3, अगर इस नंबर के दो फैक्टर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सो p² इज डिविजिबल बाय 2। बट हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। लेकिन सर जी अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे पास 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल है, तो जब भी आप कहोगे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, किसी से भी डिविजिबल है, तो मैं आपसे कहूंगा कितनी बार डिविजिबल है, कितने टाइम डिविजिबल है। आप कह सकते हो 4 जो है सर वो 2 टाइम डिविजिबल है। हम कहने लगे सर 4 ही क्यों ले, 2 ले लो आप, तो 2 जो है सर 1 टाइम डिविजिबल है। हम 2 ही क्यों ले, 10 ले लो सर आप, तो 10 कितने टाइम्स डिविजिबल है सर, 5 टाइम डिविजिबल है। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है कितने टाइम डिविजिबल है ये और लिख लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं लेट कि p डिविजिबल है 2 से, तो p जो है 2 से a टाइम्स डिविजिबल है। ये दूसरा स्टेप, और इसके बाद जो स्टेप रखोगे कहानी खत्म हो जाएगी। इसको यहां रख दीजिए, p को अगर आपने 2a रखा तो ये हो जाएगा सर 2a का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 2q², 2 का स्क्वायर होता है 4a² ये होता है 2q², 2 से आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सर q² = 2a² ये हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया और फाइनल स्टेप आ गया। आप क्या कह रहे हो q² = 2a² अगेन मैंने आपसे क्या कहा है q² के दो फैक्टर आ गए हैं 2 और a स्क्वायर, इसका मतलब q² 2 से डिविजिबल है। सो q² इज डिविजिबल बाय 2। सो ये प्राइम नंबर है, अगर 2 से डिविजिबल प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर खुद भी डिविजिबल होगा। q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां आप कह रहे हो q 2 से डिविजिबल है, यहां आप कह रहे हो p 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों जो हैं सो p एंड q बोथ आर ठीक है सर। हमने क्या कहा था, हमने कहा था अमन साहब जो है इंद्रु में पढ़ते हैं, यानी कि ये को प्राइम है, किसी से डिविजिबल नहीं है। बट अमन साहब कह रहे हैं सर मैं तो कैम्ब्रिज में पढ़ता हूँ, मैं तो 2 से डिविजिबल हूँ। कंट्राडिक्शन आ गया, इट इज कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन आया है तो सर हम सॉरी फील कर लेते हैं, सॉरी आप अमन नहीं है। क्यों है सर, ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है सर, अजम्पशन क्या था, दो ही तरह के नंबर थे, हमने कहा था लेट रूट 2 इज रैशनल, अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल है। तो सर मुबारक हो, ये आपके 3 मार्क्स हैं, तो 300,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आप कह सकते हैं सो या हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स इट। ये मैंने आपसे कहा था कि यही सारे उसके लिए है। आओ सर देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है सर कि नहीं सर यहाँ रूट 2 नहीं है, ठीक है, ये जो है आपके पास रूट 2 नहीं है,
हम कह रहे नहीं सर ये तो रूट थ्री है, ठीक है रूट थ्री ले लेते हैं, यहाँ पे रूट थ्री रख देते हैं, लेट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, रूट थ्री है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर के दो प्रोडक्ट हैं, दो फैक्टर हैं थ्री और क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर थ्री से भी डिविजिबल है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भी डिविजिबल है, अगर थ्री से डिविजिबल है तो पी भी थ्री से डिविजिबल होगा। आप यहाँ क्या कहेंगे सर, सब सेम स्टेप्स हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, हमने क्या कहा सर p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो p की जगह हम 3a रखेंगे, यहां 3a आएगा, यहां 3a है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। अगेन q के दो फैक्टर आ गए, 3 से भी डिविजिबल, a स्क्वायर से भी डिविजिबल, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 3 आएगा, तो एक ही क्वेश्चन है। रूट 3 इज एन इरेशनल, अब आप इसकी जगह 5 रख लीजिए, इसकी जगह 7 रख लीजिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस देखिए, अगर अच्छा लगे तो इसे सर्कुलेट करिए, क्योंकि जब आप कहते हैं अच्छा लगा है तो मोटिवेशन मिलता है, फिर हम दिल चाहता है कि हम बच्चों और अच्छा पढ़ाएं, ज्यादा पढ़ाएं, बढ़िया पढ़ाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।